जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है ये तंबूरो 18 तारीख को रिलीज़ हो रही है और एक अलग जोनर और एक अलग लुक देखने मिला मतलब खुशी का, इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? सर बहुत खुशी होती है, गुजराती मेरी मातृभाषा है, मातृभाषा में मेरी मातृभाषा की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी खंडित हो चुकी थी और ये दो तीन साल में थोड़ी सी मरम्मत हुई है और इंडस्ट्री अब थोड़ी सी पनपने लगी है, अच्छी तरह से खड़ी होने लगी है। तो जब मातृभाषा की बात आती है तो अच्छे में वहाँ बने हुए इंडस्ट्री पनपी, वो इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगा ये इच्छा हर प्रांत के, जिस मातृभाषा को आप बोलते हैं उस मातृभाषा की ये इच्छा डेफिनेटली होती है। तो वैसी इच्छा मेरी है कि मैं भी, मेरी भाषा में अगर फिल्म बन रही है, एक अच्छी डिफरेंट किस्म की फिल्म है, तो उसमें बहुत सिचुएशन ओरिएंटेड कॉमेडी है, एक बहुत ही तिरछी ह्यूमन वाली कॉमेडी है। आज के यूथ को भी एक जिसको रातों रात पैसे वाला होना है, शॉर्टकट से सब कुछ उबा लेना है, फास्ट चाहिए सब कुछ, जो यूथ है उसको जब इच्छा करके जब आगे बढ़ते हैं अपना जीवन बढ़ाते हैं और कैसे कैसे सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है, तो ऐसा एक ये थोड़ा सा कथानक है, तो एक छोटा सा मैसेज भी है और उस फॉर्मेट में जो ह्यूमर है वो तिरछी है। इसमें मेरा पात्र भी डिफरेंट है, किरीट भाई का पात्र है जिसको वाइट कॉलर, तो बहुत ही डिफरेंट है, लिंगो उसका गुजरात का मैंने रखा है, तो एक मुझे भी मज़ा आया काम करने के लिए और अच्छा खासा खर्च किया है, 5-1 करोड़ का खर्चा किया है सर ने, और सब कुछ मतलब एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म जैसे मेकिंग होता है, कहीं भी कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो फाइट हो, सॉन्ग्स हो, सीन्स हो, सेट बनाना हो, उससे अलग प्रकार के सेट बना के शुरू होता है, क्राउड हो, क्राउड हो, तो इट इज़ वेरी जो गुजराती फिल्मों में इस तरह की खर्चा करके भी उसका रिटर्न क्या है ये उसने नहीं सोचा, बट उसने सोचा कि एक अच्छी फिल्म अगर बनाते हैं और वही उद्देश्य है, और इसीलिए ये सोच देख कर ही मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं हिंदी में भी अच्छी कॉमेडी फिल्में कर चुका हूँ, अच्छे अच्छे दर्शकों से जो लोग गुजरात के मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार है मेरे लिए, प्यार की बदौलत ही पूरे हिंदुस्तान में और उस प्यार की बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। जब भी गुजरात में जाता हूँ आते हैं बहुत ही आनंद से प्यार से मिलते हैं, तो अगर मैं साइड में खड़ा रहूँ चलेगा, मेरी भाषा में कुछ अच्छा कुछ भी कोई भी अच्छा टैलेंट आता है उसको सपोर्ट करना मेरा काम है। किरीट भाई कुछ बताएंगे तो हमें उम्मीद है। और दूसरी अभी आप चर्चा कर रहे थे सब्सिडी की, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं गुजराती जिनको मैं जानता हूँ कि सब्सिडी नहीं मिलती है, चक्कर ही काटते रहते हैं, तो क्या सरकार से कुछ इस प्रकार का सब्सिडी सहज और सरल बनाया है? नहीं, सब्सिडी जो है आप देखो सिर्फ सब्सिडी को देख के मछली को नहीं देखना, मछली की आँख को देखना, सब्सिडी किस लिए है? अच्छी फिल्म बनाने, राइट, फिल्म सब्सिडी के लिए नहीं बननी चाहिए, फिल्म बनने के बाद सब्सिडी। तो आप जब तक उस नॉर्म्स में बैठने वाली अगर फिल्में नहीं बन रही तो फिर सिर्फ सब्सिडी के लिए कोई फिल्म बनानी है, कोई भी किसी कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट यही चाहती है कि क्वालिटी ओरिएंटेड फिल्म बनाओ। आज एक दर्शक अगर 300-350 रुपए की टिकट निकाल के जाता है उसको क्वालिटी भी कंटेंट भी सब कुछ सब 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 कुछ देखना पड़ता है। तो मुझे मैं वो मुझे नहीं पता आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे उसके कोष्टक में अगर बैठने वाली फिल्म बने, थैंक यू सर।